स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम का बारे में। तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, इसमें आपको मालूम पता लग गया होगा, पैसेंजर का जब इमरजेंसी होते हैं तो वो ये जो है गाड़ी को रोकने के लिए एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसका नाम है आपका पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। ये कैसे काम करते हैं, इसका साथ किसका साथ एक कनेक्शन है, इसी के बारे में अधिक हम लोग बात करेंगे। तो पैसेंजर आप लोग देखे हैं ट्रेन में जो है एक अलार्म सेट रहता है, वो कहाँ रहता है, गाड़ी का अंदर में रहते हैं, कभी कभी देखिएगा इसको एक जो है व्हील रहता है आपको एलईजीबी को, उसमें उसको घुमाने से जो है आपको गाड़ी रुक जाती है। ये क्यों रुकती है हम लोग जानते हैं, ब्रेक गाड़ी में ब्रेक लगने के बाद ही गाड़ी रुकेंगे। तो गाड़ी इसका मतलब है क्या, आपका जब पैसेंजर अलार्म चेन को घिसते हैं, ये आपको व्हील को रोटेट करते हैं, तो उस टाइम में ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो ब्रेक अप्लाई होने का कारण क्या है, ब्रेक अप्लाई होने का एक ही कारण है जो आपको ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो पैसेंजर जब अलार्म चेन घिसते हैं, इसका मतलब है क्या, वो ब्रेक पाइप का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं बाय एनी कॉस्ट। तो कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह हम लोग लिखे हैं पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम इज प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक पाइप एंड द अलार्म चेन इन ए कोच। मैंने एक कोच का ये जो गाड़ी है जहां हम लोग बैठते हैं उसी का साथ जो उसी में देखिएगा एक अलार्म चेन है, तो वही चेन का साथ किसका साथ कनेक्शन है, आपका जो है ब्रेक पाइप का साथ कनेक्शन है। ब्रेक पाइप हम लोग जानते हैं मेन जो ब्रेक पाइप है आपका गाड़ी में, एक है आपको फीट पाइप, एक है ब्रेक पाइप, वही ब्रेक पाइप का साथ एक कनेक्शन रहता है अलार्म चेन का साथ। तो बीस में जो है और सारी पार्ट्स है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम आपको, दैट इज आपका कनेक्शन है, तो उसी में जो है आपका उसी का द्वारा काम करते हैं। दिस सिस्टम इज प्रोवाइडेड फॉर पैसेंजर टू यूज इन फॉर देयर इमरजेंसी। मतलब आपको ये कब यूज करते हैं, जो पैसेंजर का इमरजेंसी पड़ते हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ता है गाड़ी को रुकने का, कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया जिसके लिए जो है गाड़ी को रुकना ज़रूरी है, इन दैट कंडीशन ही विल अप्लाई द दिस सिस्टम, ही विल अप्लाई दिस सिस्टम। इसमें जो है ना, ये जो सिस्टम है इसमें जो है दो डिवाइस है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू डिवाइसेस। क्या क्या है, एक है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं PEAV, ये वाल्व है, इसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और एक है आपका PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। मतलब आपको एक डिवाइस है जिसमें जो है आपका ड्राइवर को जो है सिग्नल देते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे गाड़ी का पीछे में एंड पोर्शन में, देखिएगा दिस पोर्शन में जो है आपका ये सिस्टम आपको जो है ना फिट रहता है। तो इसका नीचे में देखिए एक पाइप कनेक्शन आया, यहाँ से आया आपका ब्रेक पाइप का साथ कनेक्शन है। तो ब्रेक पाइप का कनेक्शन होने का टाइम में वहाँ जो है एक आइसोलेटिंग कॉक दिया जाता है, एक भाव लगाया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सिस्टम में कोई लीकेज हो जाएंगे, ये जो है आपको ये ठीक से काम नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देते हैं, ताकि जो है सिस्टम काम ही नहीं करते। कभी कभी आप ऐसे भी देखते हैं आपको जहाँ पर ज़्यादा ये पैसेंजर जो है अपना अपना जगह पर आपको गाड़ी को रुकने के लिए चेन पुल करते हैं बेमतलब से, तो उस टाइम में क्या करते हैं ड्राइवर साहब, ये जो है आपका उसका एक्सीडेंट ड्राइवर, ये सिस्टम माने CNW का स्टाफ क्या करते हैं आपका आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर भी देते हैं, ताकि जो है आपको पैसेंजर का डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें देने से आपको जितना भी आप चेन घिसिएगा गाड़ी रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें सिस्टम में से आइसोलेट किया जाता है। तो यहाँ देखिए दो जो है आपका वाल्व, एक है आपको एक वाल्व है जिसका नाम है PEAV, एक है आपको पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, और ये है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। तो ये जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व है, देखिए ये कहाँ का साथ किसका साथ कनेक्शन है, ब्रेक पाइप का साथ कनेक्शन है। तो ब्रेक पाइप का इसका अंदर में देखिए यहाँ पर जो है एक होलो पिस्टन है, दिस इज नोन एज द होलो पिस्टन। ये होलो पिस्टन किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें देखिए एक होल है, तो होल का द्वारा आपको ब्रेक पाइप के साथ आपको कनेक्शन है,
मतलब आपको ब्रेक पाइप का प्रेशर जब आप इंक्रीज करते हैं तो ये आपको हॉलो सिस्टम और पिस्टन द्वारा जो है ना प्रेशर आपको जाता है आपको डिफरेंट पोजिशन में, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हॉलो पिस्टन का देखिए, हॉलो पिस्टन जो होते हैं ये पिस्टन का नीचे में एक चेंबर है जिसका नाम है आपको कंट्रोल चेंबर। ये हॉलो पिस्टन का नीचे में एक चेंबर है जिसका नाम है आपको कंट्रोल चेंबर। ऊपर में जो है एक चेंबर है इस वाल्व का, वो जिसका नाम है आपको बीपी चेंबर, मतलब आपको ब्रेक पाइप चेंबर, एक है आपका कंट्रोल चेंबर। ये हॉलो पिस्टन का नीचे में देखिए एक चेक वाल्व लगा हुआ है, इसको बोलते हैं चेक वाल्व। ये चेक वाल्व को जो है स्प्रिंग द्वारा ये जो वॉल है माने आपका कंट्रोल चेंबर का जो वॉल होता है, ये वॉल का साथ आपको एक स्प्रिंग, दो साइड में आपको दो स्प्रिंग लगा दिया गया है। ये स्प्रिंग क्या करते हैं, हमेशा जो है आपका चेक वाल्व को जो है नीचे का तरफ आपको ठेलते हैं। तो इसका मतलब ठेलना, चेक वाल्व को ठेलना मतलब आपको यहाँ जो पिस्टन है ये भी आपको जो है ना धीरे धीरे आपको नीचे आएंगे, आके जो है यहाँ देखिए जो पैसेज है ये पैसेज का ऊपर में जाके वो बढ़ जाएंगे। चेक वाल्व जो है ना इसी पैसेज का ऊपर में बढ़ जाएंगे। ये पैसेज का नीचे में देखिए एक एग्जॉस्ट पोर्ट है जिसका आपका बोर्ड होता है आपका 1 मिलीमीटर फॉर ICF, 19 मिलीमीटर होता है आपका LHB कोच के लिए, 19 मिलीमीटर फॉर LHB कोचेज, 8 मिलीमीटर फॉर ICF के लिए। तो एग्जॉस्ट पोर्ट मतलब आपको बीपी प्रेशर का एग्जॉस्ट पोर्ट है, इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो अक्सर हम लोग देखे हैं इसमें जो है एक चेक वाल्व है, चेक वाल्व नॉर्मली जो है आपका इसमें बैठा रहते हैं, उसका बाद जो है आपका एक हॉलो पिस्टन है, हॉलो पिस्टन द्वारा प्रेशर जो है धीरे 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 ऊपर में जाता है बीपी चेंबर में। यहाँ देखिए इसमें जो है ये हॉलो पिस्टन का यहाँ जो है ये जो होल का होल है यहाँ जो है एक रेस्ट्रिक्टेड पैसेज है, मतलब एकदम महीन सा जो है एक होल है, ये होल द्वारा आपका जो है ना प्रेशर जो है ये जो बीपी प्रेशर है ये भी आपको जो है कंट्रोल चेंबर में भी आपको एंट्री करते हैं, मतलब आपको घुसाते हैं। तो यहाँ बीपी चेंबर का साथ पाइप द्वारा जो है एक कनेक्शन है, ये है आपको पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, बस इसमें भी एक जो है आपका चेंबर है, इसका साथ इसमें जो है एक वाल्व लगा हुआ है जिसमें जिसको बोलते हैं पायलट वाल्व, बहुत क्लैपेड वाल्व, इसको पायलट वाल्व ये क्लैपेड वाल्व भी बोला जाता है। देखिए ये पायलट वाल्व का नीचे में जो है आपका दो जो है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, दो एग्जॉस्ट पोर्ट है। तो आपका पायलट वाल्व नॉर्मली जो है वो आपका अपना जो है वेट से जो है ना बैठा रहते हैं। तो जनरली क्लैपेड वाल्व जब होंगे तो उसमें जो है ना एक पोर्शन है उसमें जो है एक पोर्शन जो है ना नॉर्मली जो है ना बैठा रहता है ताकि एग्जॉस्ट पोर्ट जो है बंद रहेंगे। तो जब बंद रहेंगे इसी जो पायलट वाल्व है इसका नीचे में देखिए, नीचे में जो है आपका इसका साथ आपको लगा हुआ है लीवर, एक लीवर लगा हुआ है, दिस इज द लोड एंड, दिस इज द एफर्ट, दिस इज द आपका पिवट, दिस इज द एफर्ट एंड, दिस इज द एफर्ट एंड, दिस इज द एफर्ट एंड। तो एफर्ट एंड मतलब आपको चेन है जो हम लोग बोलते हैं गाड़ी में चेन है, और उसी चेन के साथ आपको जो है लीवर लगा हुआ है। चेन जब हम लोग घिसते हैं तो लीवर को जो है ना पुल करते हैं, पुल करने से जो है आपका ये पायलट वाल्व को जो है आपका लिफ्टिंग होता है। तो नॉर्मली पायलट वाल्व जो है आपका ये सेटिंग पर बैठा रहता है ताकि जो है कोई प्रेशर जो है आपको बाहर में नहीं जाए। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ तो आपको कनेक्शन हम लोग दिखाए हैं, तो इसमें कैसे काम करते हैं इसका बारे में भी बात करेंगे। हम लोग जानते हैं जब बीपी प्रेशर हम डेवलप करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, इन दैट कंडीशन ब्रेक पाइप से प्रेशर जो है आपको यहाँ पर घुसता है, घुसने से आपको ये जो होल द्वारा जो है आपका ये नैरो पैसेज द्वारा कंट्रोल चेंबर में जाता है, इसका बाद आपको जो है ना बीपी चेंबर में जाता है, बीपी चेंबर में जाते हैं, बीपी चेंबर से यहाँ होते हुए आपको पायलट चेंबर में भी आपको पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस में भी जो चेंबर है उसमें भी आपको जो है ना एयर प्रेशर घुसता है। तो एक घुसने का कारण जो है प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि पायलट वाल्व आपको सेटिंग पर बैठा रहता है अपना वेट के लिए। यहाँ जो है स्प्रिंग क्या करते हैं आपको चेक वाल्व को जो है आपको पुश करके यहाँ पर आपको बैठा के रखते हैं क्योंकि इसका सेल्फ वेट भी है, इसके अलावा आपको स्प्रिंग जो है इसको ठेल के जो है इसी सीटिंग पर बैठा के रखते हैं ताकि जो है ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है कभी जो है आपके एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा बाहर में नहीं जाए।
तो जब आपको बंद हो जाएगा पैसेज, आपको इधर भी आपको पैसेज बंद हो गया, इधर भी पैसेज बंद हो गया, तो क्या होगा, आपको बीपी प्रेशर जो है ना धीरे धीरे आपको जाएगा, डेवलप करेगा, तो अल्टीमेटली जो है कंट्रोल रिजर्वर, कंट्रोल चैम्बर जो होता है, ये कंट्रोल चैम्बर का भी प्रेशर 5 kg हो जाएगा, क्योंकि एज इट इज कनेक्टेड होता है ब्रेक पाइप। हम लोग जानते हैं बीपी प्रेशर का मैक्सिमम जो है आपको 5 kg/cm², तो ये कंट्रोल चैम्बर में भी आपको 5 kg हो जाएगा, आपको बीपी चैम्बर में भी आपको 5 kg हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको ये जो पीएचडी चैम्बर है इसमें भी आपको 5 kg/cm² प्रेशर हो जाएगा। जब प्रेशर टोटली आपको 5 kg हो जाएगा तो ब्रेक पाइप का प्रेशर भी 5 kg है, तो ड्राइवर जो है गाड़ी को आपको रन कराएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन मतलब है जब गाड़ी रन करते हैं तब आपको जो है ये कंट्रोल रिजर्वर का, कंट्रोल चैम्बर का प्रेशर जो है आपको 5 kg, बीपी चैम्बर का प्रेशर 5 kg, पीएचडी चैम्बर का जो प्रेशर है ये 5 kg है। दैट इज़ कोई बंदा जो है चेन पुल नहीं किया है। अभी जाते जाते जो गाड़ी रनिंग कंडीशन में, तो वो क्या हुआ है, कोई बंदा का जो है आपको कोई पैसेंजर का इमरजेंसी बढ़ गया, वो क्या करेंगे, वो चेन को जो है पुल करेंगे। मतलब आपको उसका जो चैम्बर ये में कोच में जो ये है चेन है उसको घिसेंगे, ये जो है आपका रोलर को जो है घुमाएंगे। तो घुमाना मतलब है देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं फुल, फुल मतलब आपको चेन को आप घिस रहे हैं। तो चेन को घिसने से होता है क्या, यहाँ पर जो है ये जो लीवर है, लीवर जो है आपका लोड एंड में जो है इफेक्ट, हम यहाँ से इफोर्ट देते हैं और यहाँ से जो है लोड एंड में जो है क्या करते हैं, पायलट वाल्व को जो है आपका पुश अप करते हैं, पुश करते हैं मानी ठेलते हैं। ठेलने से क्या होता है, पायलट वाल्व जो वो अपना सीटिंग पर बैठा हुआ था वहाँ से जो है धीरे धीरे आपको लिफ्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे लिफ्ट हो जाने के कारण जो है तुरंत देखिए यहाँ पर दो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, सो दैट द प्रेशर ऑफ द पीएचडी चैम्बर एज वेल एज द बीपी चैम्बर विल बी रिलीज वेरी क्विकली। मतलब व्हेन ड्राइव पैसेंजर विल पुल द चेन इन दैट कंडीशन ही विल ऑपरेट द लीवर, सो दैट द लीवर विल पुशेज द पायलट वाल्व एंड इमीडिएटली आपका पीएचडी चैम्बर प्रेशर एंड द ब्रेक पाइप बीपी चैम्बर प्रेशर विल बी रिलीजेज थ्रू दिस पैसेजेस वेरी क्विकली, क्योंकि इसमें जो है बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर आपको रिलीज हो जाएंगे। जब बीपी प्रेशर आपको जो है रिलीज हो जाएंगे, पीएचडी चैम्बर का भी प्रेशर रिलीज हो जाएंगे, एज वेल एज आपको कंट्रोल चैम्बर का प्रेशर भी आपको धीरे धीरे रिलीज होते जाएंगे। तो कंट्रोल चैम्बर, कंट्रोल चैम्बर का जो प्रेशर है ये धीरे धीरे निकलेंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है। तो ये दोनों देखिए, तो बीपी चैम्बर आपको ऑलमोस्ट जीरो है बीपी चैम्बर का प्रेशर, कंट्रोल कंट्रोल चैम्बर का प्रेशर भी आपको जो है लेकिन प्रेशर है। तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द बीपी चैम्बर प्रेशर एंड द कंट्रोल चैम्बर प्रेशर दिस पिस्टन विल बी लिफ्टेड, पिस्टन जो है क्योंकि यहाँ जो अपवर्ड थ्रस्ट देंगे, इसका प्रेशर अपवर्ड देंगे और थ्रस्ट देंगे, सो दैट द चेक वाल्व विल बी लिफ्टेड फ्रॉम हिज पोजिशन एंड इट बिकम्स इन दिस पोजिशन, सो दैट द बीपी विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ दिस एग्जॉस्ट पोर्ट। बीपी का प्रेशर जो है ना एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा डायरेक्टली आपको जो है एटमोसफेयर में एग्जॉस्ट होते जाएंगे और बीपी प्रेशर जो है डाउन होते जाएंगे। एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो डेवलप द प्रेशर here and here also and through this passage it will exhaust into the atmosphere. तो BP pressure आपको दोनों साइड से आपको निकल रहा है, इधर से एग्जॉस्ट से डायरेक्टली निकल रहा है एज वेल एज इसी पैसेज से जो है आपको एटमोसफेयर में निकल रहा है। निकलने से होता है क्या है, हम लोग जानते हैं जब BP pressure आपको कम हो जाएंगे, आपको 5 kg कम हो जाएंगे, तो DB जो है एक्टिव हो जाएंगे और वो जो है कंट्रोल रिजर्वर से उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके ऑक्सिलरी रिजर्वर के साथ आपको ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन कराएंगे और ब्रेक सिलेंडर में एयर प्रेशर घुसेगा और ब्रेक अप्लाई होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तो ब्रेक अप्लाई हो गया है ऑटोमेटिकली, लेकिन व्हेन यू विल पुल द सेम इन दिस कंडीशन दिस पायलट वाल्व विल बी ऑपरेटेड, दिस पायलट वाल्व इज नथिंग इट इज ए क्लैपेड वाल्व, दिस विल टचेस द सिग्नल, it will gives the signal to the driver as well as one of the light outside the coaches will be glow. इन बाहर में जो है आपको एक लाइट जो है वो आपको ग्लोड होंगे, तो वो जलते रहेंगे, जलते रहने के कारण जो है आपका जो है पता लग जाएगा आपको कौन डिब्बा से आपको चेन पुलिंग हुआ है। तो ये तो हो गया आपका ब्रेक अप्लाइंग का। तो अभी ब्रेक रिलीज कैसे करेंगे हम लोग, ब्रेक रिलीज करने के लिए
यहाँ जो है आपको गार्ड साहब को, ये ड्राइवर साहब को जो है, ये असिस्टेंट ड्राइवर को उतर के आना पड़ेगा। आने का बाद यहाँ देखिएगा, एक जो है क्लैफेट वाल्व लगा हुआ है, ये पायलट वाल्व को, इसका मतलब क्या है, क्लैफेट वाल्व इज नथिंग, इसको जो है फिर जो है आपको क्लॉक वाइज 90 डिग्री एंगल में घुमा के क्लैफेट वाल्व को फिर अपना सीटिंग पर बैठा देना पड़ेगा। तो बैठा देने से क्या होता है, ये दोनों जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ना बंद हो जाएंगे। एग्जॉस्ट पोर्ट बंद होने के कारण यहाँ से जो प्रेशर आ रहा था आपको ब्रेक पाइप से, ये प्रेशर जो है ना धीरे धीरे आपको बीपी चैम्बर का प्रेशर जो है ना धीरे धीरे डेवलप करते रहेंगे। एट द सेम टाइम कंट्रोल चैम्बर का भी प्रेशर आपको धीरे धीरे डेवलप करते रहेंगे। जब बीपी चैम्बर का प्रेशर और कंट्रोल चैम्बर का प्रेशर जो है सेम हो जाएंगे, इन दैट कंडीशन दीज वाल्व विल बी सीटेड इन इज पोजिशन, मतलब चेक वाल्व जो है ना अपना पोजिशन में फिर जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग इसको ठेल के जो है आपको बढ़ा देंगे, सो दैट नो ब्रेक पाइप प्रेशर विल डायरेक्टली एग्जॉस्टेड थ्रू दिस एग्जॉस्ट पोर्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये वाल्व आपको सीटिंग पर बढ़ जाने से आपको डायरेक्टली जो है कोई ब्रेक पे प्रेशर जो है एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट पोर्ट द्वारा बाहर में नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब है आपको ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है धीरे धीरे आपको डेवलप करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो है ना बीपी चैम्बर का प्रेशर 5 kg हो जाएंगे, पीएचडी चैम्बर का प्रेशर 5 kg हो जाएंगे, कंट्रोल चैम्बर का भी प्रेशर आपको 5 kg हो जाएंगे। तो देन जो है आपको गाड़ी का प्रेशर फिर डेवलप कर जाएंगे, ब्रेक पाइप का प्रेशर डेवलप करने से ब्रेक फिर रिलीज हो जाएंगे। तो यही जो सिस्टम है, ये सिस्टम तो पैसेंजर चेन पुल करने से आपको ब्रेक अप्लाई हो जाता है, एट द सेम टाइम ड्राइवर साहब का वहाँ भी आपको जो है सिग्नल मिल जाते हैं, वो एक कूलिंग सिग्नल आपको जो है फॉलो अप करते हैं और देखते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ द बीपी प्रेशर। वो फ्लक्चुएशन ऑफ द बीपी प्रेशर देखेंगे तो वहाँ जो आपका जो है ना प्रेशर जो आपको देखते रहेंगे आपको डाउन हो रहा है, इन दैट कंडीशन यू विल ऑल्सो अप्लाई द ब्रेक बाय ऑपरेटिंग द ए9 वाल्व को ऑपरेट करके वो भी जो है ब्रेक को अप्लाई करेंगे और जो है ना व्हिसिल बजाएंगे। तो हम लोग देखे होंगे जब भी चेन पुल होता है आपको ड्राइवर साहब जो है ना व्हिसिल बजाते हैं, हम लोग सुनते हैं। तो आफ्टर दैट जब बीपी प्रेशर फिर अगेन डेवलप करेंगे तो तब जो है फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ब्रेक को रिलीज करने के लिए, दैट इज़ आपको बीपी प्रेशर को फिर डेवलप करने के लिए यहाँ आके क्लैफेट वाल्व को ऑपरेट करना पड़ेगा। आजकल देखेंगे आप लोग वहाँ पर एक चेन दिया जाता है ताकि जो है नीचे से जो है कोई बंदा चेन पुल करके चेन को जो है घिस के बाहर में जो चेन माने एंड पोर्शन में जहाँ चेन लगा हुआ रहता है एक और चेन रहता है, तो ये चेन पुल करके जो है आपका गाड़ी में चढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। चेन पुल करने के बाद इसको ये पायलट वाल्व ये क्लैफेट वाल्व को जो है आपको अपना सीटिंग पर बैठा देने से भी आपको प्रेशर फिर धीरे धीरे डेवलप कर जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का जो है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, जो डिवाइस आपको गाड़ी में लगा हुआ है कैसे आपको काम करते हैं इसका बारे में मेरा ये जो देखिए ये पावर पॉइंट है, तो इसमें हम लोग देखे हैं कैसे कैसे आपको फंक्शन किए हैं। तो हम लोग का डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उम्मीद है आपको जो है ना सिस्टम बहुत ही ईजी है। ईजी मतलब आपको जो है ना नॉर्मल कंडीशन में जब आपको प्रेशर डेवलप करते हैं चार्जिंग स्टेज में, वो पूरा बीपी चैम्बर पीएचडी चैम्बर और कंट्रोल चैम्बर में तीनों में प्रेशर घुस जाता है और प्रेशर डेवलप करते हैं 5 kg। उसका बाद आपको जब हम लोग चेन पुल करते हैं, चेन पुल करने से क्या होता है पीएचडी का क्लैफेट वाल्व ये पायलट वाल्व जो है लिफ्ट हो जाते हैं और पीएचडी चैम्बर बीपी चैम्बर का प्रेशर जो है ना जल्दी जल्दी आपको निकाल जाते हैं इन कंपेरिजन विद द कंट्रोल चैम्बर, क्योंकि कंट्रोल चैम्बर का आपका प्रेशर आपको पैसेज जो है बहुत ही आपको नैरो है, इसलिए जो है कंट्रोल चैम्बर का और बीपी चैम्बर का प्रेशर डिफरेंस के लिए जो है वो वाल्व धीरे धीरे आपको लिफ्ट हो जाते हैं, हॉलो पिस्टन जो है धीरे धीरे लिफ्ट हो जाते हैं और चेक वाल्व जो है आपका जो सीटिंग में रहा था वहाँ से जो है लिफ्ट हो जाते हैं, सो दैट ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है ना डायरेक्टली आपको एग्जॉस्ट हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू दैट एग्जॉस्ट पोर्ट। दैट इज आपको 8 mm ये जो है 19 mm फॉर एलएसबी के लिए वही उसी का द्वारा जो है आपको प्रेशर जो है रिलीज हो जाते हैं और ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ड्राइवर को भी आपका एक सिग्नल देते हैं, ये सिग्नल देने से जो है आपका ड्राइवर को मालूम हो जाता है और वो हॉर्न बजाते हैं और एट द सेम टाइम ही विल ऑल्सो अप्लाई द ब्रेक बाय ऑपरेटिंग द ए9 वाल्व।
तो उम्मीद है आपको जो है ये सिस्टम मालूम हो गया है। इसमें बहुत इजी है, लेकिन प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन जो है आपका वही ब्रेक पाइप का प्रेशर, तो हम लोग देखे थे अभी जो है ना ब्रेक पाइप का प्रेशर आपको एक ब्रेकिंग सिस्टम में, एक जो है ना पैसेंजर, ये भी ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टी ऑपरेशन है, एक है आपका गार्ड साहब करते हैं, एक है आपको ड्राइवर साहब करते हैं, एक है आपका पैसेंजर का इमरजेंसी में पैसेंजर भी कर सकते हैं। तो तीनों सिस्टम जो है ना ब्रेक पाइप का साथ ही कनेक्टेड है, क्योंकि ब्रेक पाइप प्रेशर से पंप करने से हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।